ये किस भाव में आपने लिया पचपन पचपन हजार रुपए में तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे सुरक्षित होंगे तो काफी सारे पशुपालक भाइयों की डिमांड पे आज की स्पेशल वीडियो मैं कहूंगा कटड़ियों से संबंधित होने वाली है काफी भाइयों की कॉल्स आती हैं काफी भाइयों की जो डिमांड है कटड़ियों को लेकर के रहती है पांच से छह पशुधन आज आपको दिखाएंगे और काफी अच्छी जो सिलेक्टेड जो कटड़ियाँ हैं वो तो पवन भाई हैं यहाँ पे आप देखें आंध्रा से आए हैं और देवी डेयरी फार्म के नाम से भाई का यूट्यूब चैनल सेल परचेज का काम चाहे 20 किलो दूध की भैंसे हो या फिर जो कटड़ियों का कारोबार है वो हो काफी अच्छा जो पशुधन है इनके चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल को मैं सब्सक्राइब करें काफी अच्छी जो क्वालिटी वाला जो पशुधन है वो रखते हैं सीधा लेकर के चलेंगे भाई के पास जाने डिटेल्स नमस्कार नमस्कार जी कैसे हो ठीक हो बढ़िया जी आ, आज कटड़ियाँ दिखा रहे हो जी, जो आपके आंध्रा में और तेलंगाना में तेलंगाना में जा रही है और मैं कहूँगा फिर आप वहां जाकर के किसी भी कोने में जो पशुधन है चाहे या बुल कुछ भी कुछ भी बेच सकता है उधर कोई भी डिमांड हो सारी डिमांड्स को कंप्लीट करते हुए निकलोगे ठीक है आज पांच कटड़िया हम दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से आ, जो आपने हरियाणा से परचेज किया ठीक है तो एक नंबर पे शुरुआत करेंगे खोलो भाई एक पर इसकी आर्डर आया था जी आ इसकी आर्डर आया हमको कम से कम कटड़ी या गैबिन गैबीन चाहिए तो कम से कम एक हफ्ता दस दिन टाइम देना है अच्छा तभी मिलता है इतना अच्छी अच्छी क्वालिटी तो मैं आप ये कहना चाह रहे हो कोई ऑर्डर करेगा या तो फिर एडवांस में टोकन अमाउंट अच्छा। डालेगा तब हम उसके तो लिए... फिर जो सिलेक्शन है वो आप सेलेक्ट उसको उनको भेज दो हाँ जी हाँ जी ठीक है तो जो कटड़ी एक नंबर पे आई है क्या कुछ जानकारी क्या दो दांत में है जी जी बाकड़ी है मतलब अभी पांच महीने की गैबिन है पांच महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट जो हीफर है दो दांत है और अभी एक टाइम दूध दे दूध दे रहा है दे रही है तो बच्चा दे रखा है इसने ना किसान ने हमको बच्चा नहीं दिया है बच्चा नहीं दिया सेल नहीं किया तो फिर मतलब काविंग तो इसने कर ही रखी है तभी तो दूध दे रही है आ, जी, आ, जी, ठीक है कितने महीने की ब्याई हुई होगी ये अभी होगा जी नौ दस महीने नौ दस महीने का तो अभी भी दूध है अभी अभी भी तीन चार के जी है तीन से चार किलो दूध है ठीक है

ना डॉक्टर साहब न्यूट्री डाइट तो ना खवाई और गलती करेट्रीड फिर जाएगी डॉक्टर साहब साहब ठीक है डॉक्टर आज हम पच्चीस किलो वाली बाल्टी न्यूट्री डाइट की चल भगवान डाइट ले पशु चाहे छोटा हो या बड़ा हो सभी पशुओं को न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं न्यूट्री डाइट खिलाने से आपका पशु समय पर नए दूध होगा बांध नहीं होगा और छोटे पशु जल्दी तैयार तो होंगे तो कटड़ी ना नहीं कटड़ी को ना मानकर के मैं कहूंगा दो दांत फर्स्ट टाइमर जो छोटी जो है वो आप देखेगा पांच साढ़े पांच महीने की है पांच महीने पांच महीने की ज्ञापन है और चेरे मुरे की बनावट से लेकर के कदकाठी जो पीठ की क्वालिटी है वो आप देखें काफी बेहतरीन काफी शानदार दूध भी दे रही है कितना दूध दे रही है अभी तीन किलो तीन किलो दूध दे रही है बात करें कीमत करे ये आप देखिएगा किसी को भी आंध्र तेलंगाना में चाहिए इसी टाइप में मुझे ऑर्डर दिया था मैं उपलब्ध कर सक ठीक है तो अगली जो कटड़ी है उसका क्या रहेगा इसका जी ये आठ महीने की गैबिन है ठीक है इसको दे दिया नाइन थाउजेंड में सेल किया आठ महीने की गैबिन है रुपए में इसको आ, सेल किया है। ये मिल्क में अभी। जी तो खीरी कटड़ी है आप यहाँ पे देखिएगा ब्यूटी आप देख सकते हैं चेहरे मोरे की ठीक है, काफी काफी तो है बहुत अच्छा ऑर्डर में जो सिलवटे है देखिएगा धीरे धीरे करके खुल रही हैं और काफी अच्छी मैं कहूंगा बन करके आएगी पीठ वेट आप देख लीजिए चेहरे मोरे की बनावट जो कदकाठी है काफी सिलेक्टेड जो तो ये जितनी भी कटड़ी आपने खरीदी है मदर मिल्क रिकॉर्ड या फादर साइड वगैरह कंफर्म किया है सर आपने? हम तो फादर मदर तो नहीं देखा है दिया एक और कटड़ी है बता दीजिए ये तो दो, दो साल की कटड़ी है दो साल की उम्र है नौ तारीख को नाइन्थ तारीख को अच्छा नौ अक्टूबर को इसको प्रेगनेंट था जी हाँ एक बार घुमाओ चलाओ तो देखिएगा नौ तारीख को इसको प्रेग्नेंट करा के क्या कुछ उम्र है इसकी दो साल जी दो साल दो, की दांत, से, है से. दो दांत जो कटड़ी है वो बता रहे हैं प्योर जेड ब्लैक टेल में और चेहरे मोरे की बनावट से लेकर के जो ग्रोथ दो साल की है उस हिसाब से मैं कहूंगा काफी अच्छी जो काफी शानदार जो ग्रोथ है वो इस कटड़ी में आपको देखने को मिलेगी तो काफी बेहतरीन जो पशुधन है वो आपको यहाँ से ले जाओ जी लंबा ये देखिएगा चेहरे मोरे की बनावट से लेकर के कद काठी पीठ बॉडी वेट काफ़ी अच्छा और नो अक्टूबर को इसको प्रेग्नेंट कराया किससे किससेन कराया कोई जानकारी आपने ली वो पंचायती बुल बोल पंचायती बुल से इसको प्रेग्नेंट कराया है तो ये कितने में आपने सेल किया ये में दिया साठ हजार रूपए में देखिएगा जी इस तरह की जो कटड़ी है मैं कहूंगा पशुपालकों को दी है काफी शानदार जो सिलेक्शन है अल्टीमेट जो पशुधन है वो तो ब्यूटी वाला चेहरा मोरा क्या कुछ डिटेल्स हैं पवन भाई मदर मिल्क अठारह उन्नीस लीटर बोला है अठारह उन्नीस लीटर मदर मिल्क ठीक है ये किसकी है Father side? Father sahib, HLDB बोला है HLDB सीमन. क्या रहेगी इसकी? महीने महीने करीब महीने के करीबन की उम्र है। और आ, प्रेगनेंट ठीक ना, है दांत वगैरह की जबरदस्त कीरी है। कीरी है। जो ग्रोथ है बाईस महीने की उम्र में काफी अच्छा खासा देखने को मिला ये किस भाव में आपने लिए पचपन पचपन हजार रूपए में तो इसको आगे कितने में बेच दिया या बेच बेच दिया, दिया दिया सभी जी सारे पशुधन सेल हो चुके हैं तो लास्ट में दो कटड़ियाँ और बचती हैं पवन भाई जी जी इसकी क्या कुछ जानकारी क्या ये फोर्थ मंथ की गैप नहीं है चार महीने की क्या है ठीक है उम्र क्या कुछ है इसकी अभी दो दांत है दो दांत है ठीक है खोलो भाई एक बार ऐसा भी है कि किसान को जा रहा है जी ऐसा भी तो देखिएगा एक ही आ, मैं कहूँगा किसान को कच्चे खुट्टे की जो कटड़ियाँ हैं वो भाई ने दी हैं चार महीने की प्रेग्नेंट है और ग्रोथ आप देख लीजिए चेहरे मोरे की बनावट इस तरह की कटड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह की कटड़ी लेने के लिए मैं कहूँगा टोकन अमाउंट एडवांस में इनको सबमिट करानी पड़ेगी उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो तैयार करेंगे और फिर आप वो उसको लेकर के जा सकते हैं काफ़ी शानदार कटड़ी चेहरे मोरे की बनावट आप देख लीजिए कद काठी पीठ बॉडीवेट है वो काफ़ी बेहतरीन चार महीने की कन्फर्म चेकपास जो प्रेगनेंट है वो आपको ये देखने को मिल रही है तो ये कितने में दी है ये सिक्सटी में दिया है जी बासठ हजार रुपये में जो कटड़ी है वो दी है और ये आप देखिएगा नेचुरल जो कनीदार सिंह है वो पीठ वेट हाइट लेंथ कद काठी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी शानदार एक और हीफर है जी बता दीजिए ये अभी दो साल है जी इसका उम्र उम्र दो साल है नॉन प्रेगनेंट है ठीक है दो साल की उम्र में ज्ञापिन हुई नहीं है बिल्कुल छोटा जो सींग है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा और दो साल के हिसाब से ग्रोथ काफ़ी अच्छी तो कच्चे खुट्टे का जो पशुधन जो कटड़ियां हैं काफ़ी सारे पशुपालक भी की डिमांड आ रही थी उसमें कटड़ी आप देखिएगा छोटा जो नेचुरल कन्नीदार जो सींग है वो और ग्रोथ आप देख लीजिए तो कटड़ियों का व्यापार भी मैं कहूँगा आज के दिन काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड है पशुपालकों में बढ़ती हुई काफ़ी अच्छा जो पशुधन आज की वीडियो में पशुपालक भाइयों को दिखा रहे हैं अगर किसी पशुपालक भाई को मैं कहूँगा आंध्रा या फिर तेलंगाना में इस तरह का पशुधन चाहिए तो वो पवन भाई की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं रेगुलरली इनसे संपर्क कर सकता है और पवन भाई क्या कुछ कहना चाहोगे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा जैसे आपने बोल दिया कि पहले ऑर्डर लगाओ पहले खाली कट, कटड़ी के लिए हाँ कटड़ी के लिए पहले टोकन अमाउंट सबमिट कराओ अगर तो उसको दिखाओगे कैसे मतलब कि इस तरह की कटड़ी मैंने खरीदी है क्या पता अगले को पसंद आए वी, ना है? वीडियो कॉल पे दिखा दो दिखा दो तो किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं मिलेगी मेरा यूट्यूब चैनल है देवी डेरी फार्म जिसपे लाइव भी चलाता हूँ दूध की कटड़े की भी चलाता हूँ बैंस की भी चलाता हूँ ठीक है उधर देख सकते है देख सकते हो कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं हाँ जी हाँ जी तो बात करें आपके संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर सिक्स थ्री जीरो फाइव जीरो सिक्स जीरो फोर एट थ्री फोर एट थ्री जी ठीक है जी चलिए बार बार धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं तो अच्छी कटड़ियों के लिए भाई से संपर्क करें काफी बेहतरीन जो सिलेक्शन है आज की वीडियो में उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार धन्यवाद जय जवान जय किसान